हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है इरफान और इस वीडियो में मैं आप लोगों को चूड़ीदार पजामा चूड़ी बॉटम कटिंग करना बता रहा हूँ। कपड़ा हमने 2.25 मीटर लिया है और ये 44 का पन्ना है, 44 का पन्ना। इस तरह डबल में फैब्रिक को रखना है। कपड़े को बराबर कर लेना है, उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ ऐसे फोल्ड कीजिए और ये वाला जो साइड है यहाँ से इसको ऐसे बराबर करके रखना है। मोड़ी है 11 इंच, 11 का हाफ, 5.5 इंच यहाँ ऐसे मार्क लगा लीजिए। बॉटम में मार्जिन रखना है 1.5 इंच, 1.5 इंच। लेंथ लंबाई है 39 39 इंच और इसमें चूड़ी के लिए 10 इंच प्लस करके मार्क लगाना है, तो 39 और 10 49 49 इंच। जितना भी लेंथ रहेगा उसमें 10 इंच प्लस कर लीजिए। 6 इंच बेल्ट के लिए माइनस करना है। 6 इंच बेल्ट के लिए माइनस करने के बाद ये 0.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन। क्रॉच डेप्थ आसन का मार्क लगाएंगे 13.5 इंच पे और नी घुटना का सेंटर लगाएंगे 24 इंच पे। अब ये सभी मार्क स्ट्रेट करना है, सीधा कर लेना है। बॉटम 11 है, 11 का आधा करेंगे 5.5 इंच, 5.5 इंच। यहाँ से नी घुटना का मार्क लगाना है, घुटना है 17.5, 17.5 का हाफ करेंगे 9.25 इंच और शेप स्केल ऐसे इस मार्क में ऐसे रखना है और मार्क लगाना है। थाई है 15.5 इंच, 15.5 इंच। एक्स्ट्रा मार्जिन 1.25 इंच, 1 इंच 1/4। यहाँ से 5 इंच पे एक मार्क लगा लेना है, 5 इंच।
यहाँ से 1 इंच, 1 इंच पे मार्क लगाइए। ये दोनों साइड का स्टिचिंग मार्जिन है, सिलाई का मार्जिन। और इस मार्क पे ऐसे रखना है। यहाँ से 2 इंच अंदर एक मार्क लगा लीजिए, 2 इंच अंदर। ये टोटल 15.5 इंच है थाई, 2 इंच अंदर एक मार्क लगाएंगे और सेम ये मार्क यहाँ भी एक लगाएंगे। अब इस वाले मार्क को करना है स्ट्रेट और यहाँ से इसको करना है गोलाई ऐसे। अब हम बेल्ट बॉक्स कटिंग करेंगे। बेल्ट बॉक्स के लिए ये हमने कपड़ा लिया है, ये विदाउट जॉइंट वाला है, बिना जोड़ वाला। इसका बेल्ट बॉक्स है 21.5, तो 21.5 पे मार्क लगाएंगे और प्लस 1.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। बेल्ट का लंबाई है 6 इंच और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ये टोटल 8 इंच है, 8 इंच।